हेलो दोस्तों, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, बच्चों की स्कूल खुल गई है। इंग्लिश मीडियम के फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को इस बार हिंदी या मराठी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बच्चे ABCD तो आसानी से सीख जाते हैं, उनको दिक्कत आती है हिंदी और मराठी के अक्षर सीखने में। अ आ ई ई अम आ तक फिर भी आसानी से सीख जाते हैं, उनको मुश्किल आती है तो 12 खड़ी जब शुरू होती है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, इन सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हर बार लिखते वक्त या तो बुक देखना पड़ता है या हम पेरेंट्स या टीचर को उनको मदद करना पड़ता है। इसलिए बच्चे खुद से आसानी से 12 खड़ी सीख जाए, इसके लिए मैंने एक आसान DIY बनाया है। हिंदी और मराठी दोनों अक्षर का 12 खड़ी इससे सीख सकते हैं। ये देखिए, एक बुक बनाया है, इसमें ऐसे एक विंडो किया है। इस विंडो के आजू बाजू में हर एक मात्रा के चिन्ह को लिखा है। और आखिर में एक पॉकेट की तरह किया है, इसके अंदर आप अक्षर को डाल के 12 खड़ी सीख सकते हैं। ये मैंने एक क लिया है, ट है। चलिए अब क का 12 खड़ी सीखते हैं। क अक्षर को इस पैकेट में डाल देंगे। अब देखें, यह आया पहला क। आ की मात्रा का, छोटे ई की मात्रा की, बड़े ई की मात्रा की, ऐसे ही कु कु, के कई, को, कौ, कम और कहा। र का मात्रा हिंदी में नहीं है लेकिन मराठी में है, इसलिए मैंने आखिर में र का मात्रा का कृ ऐसे किया है। ऐसे ही अब क को हटा के आप ट डाल देंगे। ट का 12 खड़ी भी क की तरह बहुत आसानी से बच्चे सीख सकते हैं। अब कोई भी अक्षर डाल देंगे, उसके 12 खड़ी आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने सारे व्यंजनों का ये पर्ची बना के रख दिया है। हिंदी में ळ अक्षर नहीं है लेकिन मराठी में ळ अक्षर है, इसलिए मैंने वो भी एक एक्स्ट्रा बना के रख दिया है। तो इस बुक का यूज करके बच्चे आसानी से 12 खड़ी सीख सकते हैं।
बच्चों को हिंदी या मराठी के बाराखड़ी सिखाने का ये तरीका आपको कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।